हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज, मैं अयोध्या में मौके पर उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर 108 हवन किए जाएंगे। इसके अलावा 1008 शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा, उसका रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। ये मैं जहाँ मौके पर मौजूद हूँ, ये सरयू का किनारा है और इधर हमारे पीछे की साइड में इधर से रास्ता बनाया गया है जो कि NH-27 पर जाकर मिलता है। इसके अलावा बहुत से यहाँ पर जो टेंट आप लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर 1008 शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा जो इधर की साइड में बने हैं और इधर की साइड में बने हैं, और बीच में रास्ता है एक तरफ जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए। पहले इधर देख लीजिए, ये है सरयू का किनारा और यहाँ बीच में रोड बनाया गया है जहाँ पर दोनों तरफ से लोग आ जा सकेंगे। इधर से जाएंगे और बीच में डिवाइडर टाइप का यहाँ पर बना हुआ है इन पोल के माध्यम से, लेकिन उधर से भी इधर से लोग जाएंगे बाहर और इधर से लोग अंदर आएंगे। यहाँ से सरयू नदी आगे दिख रहा है और यहाँ पर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा इधर देख सकते हैं दूसरी साइड में, ये रोड सीधा ले जाएगी आपको नेशनल हाईवे NH-27 पर मिलाती है, ये सीधा जाएगी। ये बालू का रोड अभी बना है, यहाँ पर बालू पूरा बिछा हुआ है क्योंकि ये सरयू नदी है तो बालू यहाँ से निकाला नहीं गया है, तो बहुत से बालू यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हो सकता है बाद में मैटिंग किया जाए जिससे लोग यहाँ पर आ जा सकें। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इधर की साइड में और इधर कुछ इस तरह से छोटे छोटे टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे से टेंट लगाकर, और इधर देखिए इधर भी टेंट बनाए जा रहे हैं, और बीच बीच में देखिए इस तरह से कटिंग की गई है, बीच बीच में जगह जगह पर इस तरह से गेट लगाए जा रहे हैं जिससे लोग इस टेंट के अंदर जा सके, और बीच में इस तरह से गलियारा जैसा बनाया गया है जिससे लोग सीधा इस गलियारे के अंदर से टेंट के अंदर जा सकेंगे। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और जो हवन कुंड बन रहा है वो कितना स्पेशल तरीके से बनाया जा रहा है, चलिए वो सब भी आपको दिखाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर जय श्री राम का ये झंडा लगा हुआ है पूरा भगवा कलर में, पूरा यहाँ से वहाँ तक झंडा लगा हुआ है जहाँ से ये रोड स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक ख़त्म हुआ है। तो गाइज अभी आप सामने देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये है सामने NH-27 यहाँ से जाती है और यहीं पर सब कुछ व्यवस्था हो रही है। यहाँ बगल में देखिए व्हाइट कलर का जो टेंट सिटी बनाया जा रहा है, यहाँ पर व्हाइट कलर के टेंट लगाए गए हैं जहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी, और यहाँ पर बाथरूम वगैरह यहाँ पर बनाए जा रहे हैं इधर की साइड में। इधर के साइड में देखिए ये है मेन हवन कुंड, यहीं पर हवन कुंड मेन बनाया जा रहा है जो करीब 108 हवन कुंड होगा, और यहाँ दूसरी साइड में यहाँ देख सकते हैं इधर के साइड में 1008 शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा जहाँ पर छोटे छोटे पंडाल बनाए गए हैं जो पूरा सरपत वगैरह के पूरा बनाए गए हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसको पूरा बनाया जा रहा है। इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं यूज हुआ है जो आधुनिक हो, सब कुछ नेचुरली यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इधर के साइड में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा भगवा रंग का एक झंडा, प्रभु श्री राम का एक झंडा इधर लगाया गया है, और यहाँ पर जो 108 हवन कुंड बन रहे हैं वो इधर कुछ इस तरह से बन रहे हैं, बहुत बड़ा सा पंडाल कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए कितना गजब का ये पेंटिंग वगैरह इसमें कितना गजब का किया गया है, और इसके अंदर में जो हवन कुंड है वो बनाए गए हैं, यहीं पर पूरा हवन होगा। ऐसे ही यहाँ पर चारों तरफ से रास्ता छोड़ा गया है जिससे कि लोग चारों तरफ जा सकें, और बीच बीच में गेट छोटा छोटा सा लगाया गया है जिसके थ्रू लोग अंदर जाएंगे। देखिए इधर से भी इतना रास्ता है जाने के लिए और इधर से भी बगल से, मतलब चारों तरफ इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा रास्ता जोड़ा गया है, इधर से भी कुछ इस तरह से रास्ता इधर से बनाया गया है। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या गजब का ये लुक लग रहा है। अभी ऐसे कुछ छोटे छोटे गेट बनाए जा रहे हैं, देखिए कुछ ऐसा जो यहाँ पर बीच में लगेगा और वहाँ पर देखिए वो पूरा फ्रेमिंग किया जा रहा है जिससे उधर पूरा कवर हो जाए, मतलब हर तरफ से इसके अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगा, कहीं कहीं से रास्ता रहेगा तो वहाँ से उन सबको जाने के लिए इजाज़त होगी।
यहाँ पर ज़्यादातर करके लकड़ी का ही यूज किया गया है और किसी भी चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लकड़ी और कपड़ा दो ही चीज़ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर 1008 शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा और यहाँ पर छोटे छोटे से मंडप बनाए गए हैं जो कि पूरा सरपत वगैरह का यूज करके बनाया गया है। ये पूरा छप्पर टाइप का बनाया गया है और मंदिर के आकृति में बनाया गया है और इसके ऊपर यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं जो प्रभु राम की प्रतीक है। भगवा कलर का झंडा सभी जगहों पर आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरह से, क्या गजब का लुक यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे और आगे आपको दिखाते हैं इसका जो मेन गेट जहाँ से प्रवेश द्वार है जो NH-27 पर बनाया गया है वो किस तरह से कितना खूबसूरती से उसको बनाया गया है वो भी चलिए मैं आपको आगे इसी ब्लॉग में दिखाता हूँ। यहीं से ये जो रोड है पथ यहीं से आएगा और यहीं से एंट्री होगी अंदर की तरफ। देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र इधर बनाया गया है और यहाँ पर अग्निशमन का ये जो वाहन है यहाँ पर खड़ा हुआ है, जैसे कभी आग वगैरह लग जाए तो उसके लिए यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रवेश के लिए देखिए कुछ इस तरह से कच्चा रोड है जिसके थ्रू अंदर में प्रवेश होगा और यहाँ पर लाइट लाइट वगैरह की व्यवस्था बढ़िया से की गई है जिससे लोग रात में भी अंदर जा सकेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। अभी तो यहाँ पर बहुत कुछ काम होना बाकी है, जल्द ही हो जाएगा क्योंकि अब 22 तारीख बहुत ही नज़दीक है तो जल्द ही इन सब का काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो एंट्री गेट है सामने देख सकते हैं, एंट्री गेट यहीं पर बना गया है, यहीं से एंट्री करेंगे। यहाँ पर सामने कुछ इस तरह से भव्य तरीके से इसका जो एंट्री गेट बनाया जा रहा है ये पूरा प्लाई का बना हुआ है और इधर की तरफ यह NH-27 इधर जाता है लखनऊ की साइड में और इधर गोरखपुर की साइड में जाता है और यहीं सामने की तरफ उधर जो धर्म पथ है अयोध्या में एंट्री करने के लिए वो उधर सामने की तरफ बनाया गया है। चलिए मैं अभी चल रहा हूँ धर्म पथ के का जो मार्ग है जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या अपडेट है, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्यदेव की मूर्ति बन रही है उसमें कल तक पेंटिंग नहीं हुई थी लेकिन आज हो सकता है पेंटिंग हो गया हो। चलिए दिखाते हैं आपको उसका क्या अपडेट है। यहाँ पर देखिए ये बाईपास है जो NH-27 का और यहीं से एंट्री गेट है अंदर की तरफ जाने के लिए जो उस तरफ वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो काफ़ी विशाल का ये गेट बन रहा है, काफ़ी भव्य गेट ये बन रहा है और इधर की साइड में सूर्यदेव का जो मूर्ति बना है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, अभी इसमें पेंटिंग किया जा रहा है। देखिए कुछ इस तरह से घोड़े वगैरह जो लगाए गए हैं कुछ इस तरह से पेंटिंग इसमें किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर जो गेट है इसी गेट पर यहाँ ऊपर की तरफ उसको रखा जाएगा। इसी गेट पर यहाँ ऊपर की तरफ जो सूर्यदेव की फोटो है उसको रखा जाएगा और यहाँ पर थोड़ा आगे कुछ इस तरह से जो सूर्य स्तंभ है वो दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए कितना भव्य तरीके से सूर्य स्तंभ को भी यहाँ पर बनाया जा चुका है। तो मैंने कल की जो ब्लॉग थी उसमें हमने पूरा बता दिया था, पूरा दिखा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है कल के ब्लॉग में धर्मपथ का अपडेट तो वो वाला ब्लॉग आकर आप लोग जाकर देख लीजिए। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।